आज पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर 11th में, फर्स्ट ईयर अध्याय तीसरा, हेडिंग है समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, है ना। समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, है ना। अब देखेंगे समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। एग्जाम में आएगा समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ से क्या समझते हैं, अथवा समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ का क्या अर्थ है, अथवा समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ का कोई परिभाषा लिखे। आंसर क्या होगा, एक होगा, आपको ध्यान देना है। तो हेडिंग है अध्याय तीसरा, प्रथम ईयर, फर्स्ट ईयर, समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो शाब्दिक दृष्टिकोण से समाज शास्त्र, अंग्रेजी शब्द, शाब्दिक दृष्टिकोण से, अर्थ अर्थ से समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी अंग्रेजी शब्द, सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। सोशियोलॉजी का क्या है, हिंदी रूपांतर है, जो स्वयं भी लैटिन शब्द सोशियस, SOCIUS, सोशियस, और ग्रीक शब्द लोगस, LOGUS, लोगस से मिलकर बना है। सोशियस और लोगस शब्द से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्रमशः समाज और विज्ञान है। क्या है, समाज और विज्ञान है। इस दृष्टिकोण से भी समाज शास्त्र का अर्थ समाज के विज्ञान से है। समाज क्या है, विज्ञान से है, साइंस से है। जे एस मिल कौन है, ये एक समाज शास्त्री है। जे एस मिल ने यह सुझाव दिया कि समाज का अध्ययन करने वाली सामान्य विज्ञान को इथोलॉजी, आचार शास्त्र कहा जाता है। इथोलॉजी, आचार शास्त्र कहा जाए। इसके बाद से भी हर्बर्ट स्पेंसर कौन है, एक समाज शास्त्री है। समाज के इस विज्ञान को समाज शास्त्र नाम से ही संबोधित करना अधिक सूचित समझा। समाज शास्त्र के नाम से संबोधित करना अचित उचित समझा, अच्छा समझा। समाज शास्त्र के नाम से समझा, उचित समझा। और बाद में कुछ विद्वानों का धीरे धीरे इस विषय की ओर जाना शुरू हुआ, और कुछ ही समय में इस विज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए सामाजिक अध्ययन में इसे सबसे अधिक महत्व दिया जाने लगा। सबसे अधिक महत्व, इम्पोर्टेंट दिया जाने लगा। समाज शास्त्र के वास्तविक अर्थ को तभी समझा जा सकता है जबकि सबसे पहले संबंधित दोनों शब्दों, समाज और शास्त्र को भली भांति समझा जाए। वास्तव में समाज व्यक्तियों का समूह न होकर इससे बिल्कुल अलग है। लेपियर का कथन है कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंत विवाहों और इसकी प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं। प्रतिमानों क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। शास्त्र अथवा विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। क्रमबद्ध शास्त्र और विज्ञान का क्रमबद्ध विज्ञान से है। अब गौर कीजिए, समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र, टू वर्ड्स से मिलकर, समाज और शास्त्र। शाब्दिक दृष्टिकोण से समाज शास्त्र अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है, जो स्वयं भी लैटिन शब्द सोशियस, ग्रीक शब्द लोगस से बना है। लैटिन शब्द सोशियस से का अर्थ हुआ और लोगस का अर्थ हुआ ग्रीक शब्द से बना है। लैटिन शब्द से सोशियस और ग्रीक शब्द से लोगस बना है, दोनों मिलकर समाज बना है। तो समाज शास्त्र एक विज्ञान है, एक साइंस है। अभी समाज शास्त्र देश विदेश में सभी जगह हमारी पढ़ाई हो रही है। समाज शास्त्र की उपयोगिता और महत्व अभी काफी देश में बढ़ गया है। समाज के बिना हम अधूरा है, हमारी गिनती नहीं की जा सकती है।
समाज शास्त्र से हम सब कुछ गुण सीखते हैं और अवगुण को निकाल देते हैं, गुण को ग्रहण करते हैं समाज में रहकर, परिवार में रहकर। हमारी बिना परिवार की, समाज की हमारी कल्पना नहीं की जा सकती है ना। कुछ समय में इस विज्ञान को उपयोगिता को देखते हुए सामाजिक अध्ययन में इसे सबसे अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इस समाज शास्त्र को अधिक इम्पोर्टेंट देने जाने लगा है, महत्व देने जाने लगा है इसको। अब समझ रहे हैं, समाज शास्त्र के वास्तविक अर्थ को तभी समझा जा सकता है जबकि पहले इससे संबंधित दोनों शब्दों समाज और शास्त्र का बड़ी बात ही समझ लिया जाए। वास्तव में समाज व्यक्तियों का समूह न होकर इससे बिल्कुल अलग है। लेपियर का कथन है, समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंत क्रियाओं और इनके प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं। शास्त्र अथवा विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। क्यूबर के अनुसार विज्ञान अवलोकन और पुनः अवलोकन के द्वारा खोज करने वाली एक पद्धति है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसकी परिणाम सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा ज्ञान के रूप में व्यवस्थित रखे जाते हैं। इस प्रकार समाज और शास्त्र का अलग अलग अर्थ समझने के लिए हम बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही समाज शास्त्र है। क्रमबद्ध व्यवस्थित रहने वाले, संगठित रहने वाले और शास्त्र का अलग अलग अर्थ समझने के लिए हम इन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समझते हैं, व्यवस्थित और क्रमबद्ध व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले, खोज करने वाले, क्या करने वाले, अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही समाज शास्त्र है। अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही, देखिए अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है, हमारे फादर इन सोशियोलॉजी अगस्त कोम्टे का ही देन है। ये समाज शास्त्र की शुरुआत, जन्म, ये समाज शास्त्र की शुरुआत 1838 में हुई और अगस्त कोम्टे को समाज शास्त्र का फादर लोग समझने लगा। जैसे हमारे कोई पिता है, पिता हमारे तुल्य है, जिस माता ने जन्म दिया मुझे, जिस पिता ने पाला और जिस गुरु ने पढ़ाया, ये भूलने का चीज है? नो, नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है, समाज शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? फादर इन सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? फादर इन सोशियोलॉजी। समझ रहे हैं? तो समाज शास्त्र के पिता अगस्त कोम्टे को कहा जाता है, अंतर होगा। समाज शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अगस्त कोम्टे को कहा जाता है। अब इसको लिखना है, समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज प्लस शास्त्र है ना, किसे है? समाज प्लस शास्त्र से है, यानी समाज है ना। लैटिन शब्द सोशियत और ग्रीक शब्द लोगस से मिलकर बना है। लैटिन शब्द सोशियस और ग्रीक शब्द लोगस से मिलकर बना है समाज शास्त्र, दो शब्द से, समाज प्लस शास्त्र। समाज सोशियस लैटिन शब्द से, ग्रीक शब्द से लोगस, शास्त्र इजिकल टू समाज शास्त्र, दो शब्द मिलकर बना है समाज प्लस शास्त्र। तो क्या है यह? समाज का विज्ञान है। समाज से खोज करता है, समाज के बारे बदलाता है कि समाज क्या है, बस आज इतना ही।